हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। तो भाई, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर हमने इनकम टैक्स अथॉरिटी का चैप्टर स्टार्ट किया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस किया था। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने आपको CBDT के बारे में भी बताया था। और क्या बताया था मैंने, सेक्शन 116, 117, 118 और 119 डिस्कस किया। आज की जो ये क्लास है ना दोस्तों, हम 120 डिस्कस करेंगे। तो 116, 117, 118, 119 जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछली वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। तब जाके आपको ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देखते हैं। नाउ सबसे पहले सेक्शन नंबर 120 के बारे में डिस्कस करते हैं। वो लिखता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की क्या पावर्स है, क्या ज्यूरिसडिक्शन है, क्या फंक्शंस है, ठीक है। और उनको फंक्शंस असाइन कौन करेगा, पावर्स असाइन कौन करेगा। तो भाई एक ही बंदा है जो इनको पावर असाइन करेगा और वो है बोर्ड। बोर्ड कौन? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्योंकि मैं याद है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने CBDT को पावर दी हुई है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने CBDT को पावर दी है तो CBDT के पास पावर्स हैं कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को फंक्शंस असाइन कर सकता है, पावर्स असाइन कर सकता है कि क्या तेरे पास पावर्स हैं, क्या तेरे फंक्शंस होंगे। समझ में आ गई बात ना। द बोर्ड और अदर ऑथराइज्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी मे हैव रिगार्ड टू एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है जी, कि जो भी पावर्स दी जा रही हैं, जो भी फंक्शंस दिए जा रहे हैं, बोर्ड दूसरी अथॉरिटीज़ को पावर दे रहा है, मतलब कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को, डेप्यूटी कमिश्नर को, वो कुछ ना कुछ फंक्शंस असाइन कर रहा है। वो जो काम दे रहा है वो कुछ एरिया वाइज भी हो सकते हैं, जैसे कि टेरिटोरियल एरिया वाइज दे सकता है, वो कुछ पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन वाइज दे सकता है। मतलब कि भाई इंडिविजुअल का तूने संभालना है, HUF का तूने संभालना है, मेरी बात समझ लो। क्लास ऑफ पर्सन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है पावर्स। इनकम और क्लास ऑफ इनकम वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, मतलब कि भाई 50 लाख रुपीज से कम वाले इनकम को असिस्टेंट कमिश्नर देखेगा, 50 लाख से ऊपर वाली इनकम्स को जॉइंट कमिश्नर देखेगा, मेरी बात समझ रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर केसेस और क्लास ऑफ केसेस, यानी अगर मैं कमिश्नर अपील्स के केसेस की बातें करूं, तो कोई भी पर्टिकुलर केस की बात करूं, तो कोई कोई ऐसा केस आ जाता है जो टैक्स से रिलेटेड है, तो वो जो है असिस्टेंट कमिश्नर देखेगा। कोई ऐसा देखेगा, कोई अगर कोई केस ऐसा आ जाता है जो कोई कानून से रिलेटेड आ जाता है, तो उसका सेक्शन से रिलेटेड आ जाता है, तो उसको जॉइंट कमिश्नर देखेगा। मेरे कहने का मतलब है कि केसेस और क्लासेस ऑफ केसेस ऐसे बनाए जा सकते हैं और उसके बेसिस पर पावर्स या फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। सेक्शन नंबर 120 ये बात क्लियरली कहता है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो सेक्शन 124 क्या कहता है दोस्तों, सेक्शन 124 जो कि असेसिंग ऑफिसर की ज्यूरिसडिक्शन तय करता है, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो बेटा हम लोगों ने 120 किया ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज, अब हम कर रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर्स। और असेसिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं दोस्तों, असेसिंग ऑफिसर्स के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। असेसिंग ऑफिसर तीन तरह के होते हैं, रैंक 1 जॉइंट कमिश्नर, रैंक 2 ACDC, रैंक 3 ITO, इनको हम असेसिंग ऑफिसर्स बोलते हैं, ठीक है। अब असेसिंग ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो इनके पास कुछ लिमिट होगी एरिया वाइज, एरिया वाइज जी हाँ, उनको रेंज दी जाती है कि आपको ये एरिया दिया जा रहा है, इस एरिया से आगे नहीं जाना, ये आपकी रेंज नहीं है। समझ में आ गई बात, एक एरिया दिया जाता है और वो एरिया हो सकता है एक रीजन हो सकता है, इनकम वाइज भी हो सकता है, क्लास ऑफ पर्सन वाइज हो सकता है, ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई। नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन, कोई भी तरह का बिजनेस या प्रोफेशन कोई कर रहा है उनके लिए बिल्कुल, इफ द प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इज सिचुएटेड विद इन द एरिया, तो उस AO के पास जो पावर्स हैं उन लोगों से रिलेटेड पावर्स हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उसके गिवन एरिया के अंदर। सो भाई अगर मान लो मुझे दिल्ली का एक पार्ट, जिसको मान लेते हैं रजौरी गार्डन, एक एरिया है रजौरी गार्डन, और रजौरी गार्डन का एरिया मुझे दे दिया गया, तो मैं जो भी बिजनेसेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, रन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, मैं उन्हीं के लिए ऑथराइज्ड हूँ, बाकी के लिए ऑथराइज नहीं हूँ। यानी मैं एक इंडिविजुअल के लिए ऑथराइज नहीं हूँ, बट मैं बिजनेसमैन के लिए ऑथराइज्ड हूँ, ठीक है, दैट गिवन एरिया। इफ द प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इज सिचुएटेड विद इन द एरिया, अगर ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की बात हो रही है, जब आपके पास दो या दो से ज्यादा बिजनेस के प्लेसेस हों, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, मान लो उस रजौरी गार्डन वाले पर्सन की 3-4 एरियाज हैं, तो मेरे को ये देखना है कि क्या मुझे उस बिजनेस की कैलकुलेशन करनी है। कह रहा है इफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो उसका मेन एरिया है,
वो अगर विद इन द एरिया, मेरे एरिया में आता है तो मुझे उसकी असेसमेंट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि अगर उसकी चार ब्रांचेस हैं, मान लो चार ब्रांचेस हैं, और चार ब्रांचेस में से जो एक ब्रांच है वो रजौरी गार्डन में आती है, ठीक है, रजौरी गार्डन में आती है, एक ब्रांच उसकी ईस्ट ऑफ कैलाश में आती है, एक ब्रांच उसकी मान लेते हैं जनकपुरी आती है, ठीक है, और एक ब्रांच उसकी पीतमपुरा आती है, ठीक है, मान लेते हैं उसकी चार ब्रांचेस हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है, और मेरा जो रीजन है वो ये वाला है, बट उसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो ईस्ट ऑफ कैलाश है, मतलब उसका जो मेन एरिया है बिजनेस करने का, जो वो गवर्नमेंट को डिक्लेयर करता है कि मेरा प्रिंसिपल प्लेस ये है, मैं यहीं पर मिलूंगा, मेरे डायरेक्टर्स यहीं बैठते हैं, हम लोग यहीं बैठते हैं, हमारी टीम यहीं बैठती है, तो ईस्ट ऑफ कैलाश अगर उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो ईस्ट ऑफ कैलाश को एरिया को जो भी असेसिंग ऑफिसर देख रहा होगा वो ही उसकी असेसमेंट करेगा चार ही ब्रांचेस की। समझ में आ गई बात, कोई अलग अलग नहीं करेगा, सारी ब्रांचेस की एक ही बंदा करेगा, क्योंकि कंपनी तो एक ही होगी ना। समझ में आ गई बात, तो भाई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस देखना होगा अगर आपके दो या दो से ज्यादा एरियाज ऑफ बिजनेस हैं, और अगर आपका एक एरिया ऑफ बिजनेस है तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ बिजनेस को ही देखना है, असेसमेंट करनी है। समझ में आ गया, तो ये तो हो गया पीजीबीपी वालों के लिए। सर इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन, इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन का मतलब है वो बिजनेस नहीं करता, एक इंडिविजुअल है, ऐसे केस में अगर वो एक इंडिविजुअल है, सैलरीड पर्सन है, तो जो लोग भी उस सैलरीड पर्सन, जो लोग उस एरिया में, उसके एरिया में आते हैं, उसके एरिया में कवर होते हैं, उन लोगों की वो असेसमेंट करेगा, उसके अलावा वो असेसमेंट नहीं करेगा। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि उसकी पावर्स कहाँ तक हैं, उसकी पावर्स की रेंज क्या है, कहाँ तक का लेवल है जो वो मैनेज कर सकता है, जो देख सकता है, जिनके फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है। समझ में आ गई बात। नाउ वेयर द क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एन एओ हैज अ ज्यूरिसडिक्शन टू असेस एनी पर्सन, क्या कोई क्वेश्चन अराइज कर सकता है, एओ से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी जॉइंट कमिश्नर से या असिस्टेंट कमिश्नर से या आईटीओ से कोई क्वेश्चन रेज कर सकता है कि सर आपके पास ये पावर्स नहीं थी, कोई कर सकता है? कह रहा है कौन कर सकता है, कमिश्नर कर सकता है या चीफ कमिश्नर कर सकता है, इसके नीचे के ऑफिसर्स जैसे कि एडिशनल कमिश्नर, ठीक है, ये लोगों के पास कोई पावर्स नहीं है, सिर्फ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर कर सकता है क्वेश्चन, अदरवाइज किसी के पास ये वैलिडिटी नहीं है कि वो उसको ये बताए कि इसका रेंज क्या है, वो रेंज तय करने वाले चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ही है। द क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एन एओ हैज अ ज्यूरिसडिक्शन टू असेस एनी पर्सन, क्या उसके पास ये पावर है कि इस पर्सन को वो असेस कर सकता है, ये देखने वाला बंदा सिर्फ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ही हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं, ठीक है सर। नाउ एवरी एओ शैल हैव ऑल द पावर्स कन्फर्ड बाय और अंडर एन एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग और रिसीव विद इन एन एरिया। तो भाई मैंने ना सेक्शन 124 के जो जरूरी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है, आपको समझने में कभी परेशानी नहीं होगी। कह रहा है हर एक तरह का असेसिंग ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स, कह रहा है हर तरह की पावर्स हैं उसके पास, बट अपने गिवन एरिया के अंदर, एरिया के बाहर नहीं दोस्तों। तो एवरी एओ शैल हैव ऑल द पावर्स कन्फर्ड बाय और अंडर एन एक्ट, जो भी उसके एक्ट में लिखा जाएगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ, जो भी बंदे जो भी उस एरिया में इनकम कमा रहे हैं या फिर इनकम रिसीव कर रहे हैं उस एरिया के अंदर, तो ऐसे लोगों के पास पावर्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। सो एवरी एओ शैल हैव ऑल द पावर्स कन्फर्ड बाय और अंडर एन एक्ट, जो भी पावर्स उसको एक्ट देता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग और रिसीव्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। समझ में आती है दोस्तों? तो ये तो हो गया, हमारी बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है सर, समझ में आ गया सर हमें। तो ये था सेक्शन नंबर 124, तो जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, 124 सेक्शन, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 127 में क्या लिखा है। तो 127 इज अबाउट पावर टू ट्रांसफर द केसेस। जी हाँ, क्या कोई एओ दूसरे एओ को क्या केस ट्रांसफर कर सकता है? क्या कोई एओ जो कि हो सकता है वो आईटीओ हो और उससे से केस सॉल्व ना हो रहा हो, कोई टैक्स केस सॉल्व ना हो रहा हो, तो वो क्या कर रहा है, किसी और असिस्टेंट कमिश्नर या फिर जॉइंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर को केस ट्रांसफर कर सकता है या फिर किसी और रीजन वाले को ट्रांसफर कर सकता है? देखो क्या लिखता है, कह रहा है चीफ कमिश्नर और कमिश्नर, दो ही बंदों के पास ये पावर है। चीफ कमिश्नर या कमिश्नर मे ट्रांसफर द केस फ्रॉम वन और मोर एओ सबॉर्डिनेट टू हिम टू एनी अदर एओ सबॉर्डिनेट टू हिम। दोनों ही एओ
उसके सबॉर्डिनेट है और एक एओ से केस लेकर दूसरे एओ को दिया जा सकता है, ठीक है। सच पावर शैल बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर आफ्टर गिविंग एन असेसी अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो बेटा ये काम तब किया जाएगा एक एओ से लेकर, देखो एओ तो क्या कहेगा, ठीक है यार टेंशन खत्म, चल भाई तू संभाल, ठीक है, उसकी कोई सैलरी थोड़ी ना डिडक्ट हो जाएगी, उसका कुछ नहीं जाएगा। एओ ने केस सॉल्व किया था बट असेसिंग ऑफिसर ने जो केस समझाने की कोशिश करी उस असेसी को समझ में नहीं आई, तो असेसी को बेसिकली समझ में नहीं आ रही तो क्या किया कमिश्नर ने, उससे केस लेकर दूसरे केस को दूसरे बंदे को दे दिया, दूसरा बंदा गया उसके पास। अब यहां पर ये हो रहा है कि उससे पहले कि दूसरा बंदा जाए, उससे पहले उस असेसी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड कि भाई देख ले क्या तू चाहता है कि मेरा कोई दूसरा बंदा असेसमेंट करे, वो करेगा फिर डिफरेंट तरीके से कहेगा, वो तेरी जान लग खाएगा, तो भाई तू सोच ले पहले, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देंगे कि भाई तू क्या चाहता है, अगर तेरे पास कोई रीजन है, वैलिड रीजन है, ठीक है, या तू बात पे एग्री कर ले जो असेसिंग ऑफिसर ने कहा है तो ठीक है, तो असेसी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड। नंबर दो, रिकॉर्डिंग हिज रीजंस फॉर डूइंग सो, वो ऐसा जो कर रहा है उसके रीजंस क्या है, अगर वो लिख कर दे रहा है कि मैं इसके लिए इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि या तो एओ से सॉल्व ही नहीं हो रहा वो केस, ये भी हो सकता है, अगर उसे केस सॉल्व हो रहा है बट असेसी बात पे अकड़ा हुआ है तो ऐसे केस में उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा और दूसरे बंदे को केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला पार्ट क्या है, रिकॉर्डिंग हिज रीजंस फॉर डूइंग सो, कह रहा है दोनों में से कुछ भी बट दोनों के बाद में ही होना चाहिए, रीजन तो लिखना ही पड़ेगा कि मैं ये केस दूसरे बंदे को क्यों ट्रांसफर कर रहा हूं, उसका रीजन क्या है, समझ में आ गई बात। नाउ इफ द केस हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एओ हु इज सबॉर्डिनेट टू अनदर एओ हु इज सबॉर्डिनेट टू हिम, एक केस जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है एक एओ जो सबॉर्डिनेट टू हिम था टू अनदर एओ, मतलब मैं कमिश्नर की बात कर रहा हूं, कमिश्नर का सबॉर्डिनेट था वो बट टू अनदर एओ हु इज नॉट सबॉर्डिनेट टू हिम। सर ऐसा हो सकता है कि कमिश्नर एक एरिया का कमिश्नर है, एक एरिया वाइज कमिश्नर है, अब वो दूसरे एओ को केस ट्रांसफर करना चाहता है बट वो उसके उसका कमिश्नर नहीं है, वो उसका कमिश्नर वो मतलब तू वो उस एरिया का कमिश्नर नहीं है जो जिस एओ को वो केस ट्रांसफर करना चाहता है। सो इफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर टू हुम सच एओ आर सबॉर्डिनेट आर इन एग्रीमेंट दैट कमिश्नर और चीफ कमिश्नर फ्रॉम हुज ज्यूरिसडिक्शन द केस इज ट्रांसफर्ड मे पास द ऑर्डर ओनली आफ्टर। नाउ बेसिकली कहता है ये तभी हो सकता है जब इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट का मतलब है दोनों को एग्रीड है, कोई दिक्कत नहीं है सर केस ट्रांसफर कर दूं, एओ से पूछा हाँ भाई केस ट्रांसफर कर दूं, तेरा केस में दूसरे केस को दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दूं, उससे बात करी, उसको भी अगर उस कमिश्नर को भी यह मंजूरी है, यानी आपस में ही एग्रीमेंट हो गया है, आपस में एग्रीमेंट हो गया है, जरूरी नहीं है रिटन एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट ही हो गया है, तो ऐसे केस में वो केस ट्रांसफर कर सकता है। बट अगेन ये चीज भी वो तब पावर्स यूज कर सकता है कमिश्नर या चीफ कमिश्नर जब असेसी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड। नंबर दो, रिकॉर्डिंग हिज रीजंस फॉर डूइंग सो। नंबर तीन, अगर एग्रीमेंट नहीं है आपस में कमिश्नर जो दूसरे रीजन वाले एओ को केस ट्रांसफर किया जा रहा है बट दूसरे रीजन वाला बंदा जो है कमिश्नर है वो कहता है कि नहीं सर मैं अपने एओ को काम नहीं दूंगा, अगर ऐसा हो गया, अगर एग्रीमेंट नहीं है आपस में तो क्या होगा सर, तो ऐसे केस में घुसेगा सीबीडीटी। सो कहता है वेयर सच अथॉरिटीज आर नॉट इन एग्रीमेंट द ऑर्डर ट्रांसफरिंग द केस मे बी पास्ड बाय सीबीडीटी और एनी अदर नोटिफाइड अथॉरिटी, जो भी हायर अथॉरिटी है सीबीडीटी के अलावा, समझ में आ गई बात। सर ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ आनी चाहिए, ये है पावर टू ट्रांसफर द केसेस दोस्तों। नेक्स्ट इज नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज टू बी गिवन इफ बोथ एओज आर ऑफिसर्स सिचुएटेड इन द सेम सिटी लोकेलिटी और प्लेस। कह रहे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है असेसी को, कह रहे कब नहीं देने की जरूरत, अगर दोनों ही एओ सेम एरिया के हैं, सेम प्लेस के हैं, अगर दोनों को ही एक ही एरिया दिया गया था तो क्या फर्क पड़ता है कि मिस्टर एक्स असेसिंग ऑफिसर ना होके मिस्टर वाई असेसिंग ऑफिसर है, क्योंकि इसका भी एरिया वही है, इसका भी एरिया वही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बंदा भाई शाम हो या राम हो इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही एक ही एरिया में रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो ये बात भी एक नोट करने वाली बात है, आई होप आप सब चीज़ें नोट कर रहे हो साइमल्टेनियसली, या फिर आप इसको क्या कहते हैं पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट करना ज़रूर करना।
ठीक है जी। तो ये दो तीन बातें जो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने आज आपके साथ तीन सेक्शंस डिस्कस किए, अबाउट सेक्शन नंबर 120 जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज था, अबाउट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर्स जो सेक्शन 124 था, और सेक्शन नंबर 127 जो कि पावर्स है टू ट्रांसफर द केसेस, कि केसेस को कैसे पावर कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, वो पावर्स कहाँ से आई। ठीक है, कमिश्नर के चीफ कमिश्नर क्या पावर है उसके पास, क्या वो केस ट्रांसफर कर सकता है? यस, पहली बात आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए, अगर वो दूसरे एरिया के असेसिंग ऑफिसर्स हैं तो आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए इस कमिश्नर का दूसरे कमिश्नर के साथ, है ना। तो जिस कमिश्नर को जिस एरिया का वो एओ है उस एरिया के कमिश्नर से बात करनी पड़ेगी, क्या वो आपस में एग्रीड है। अगर एग्रीड है टेंशन ही नहीं है, बट अगेन पावर तो तभी है जब आप उसको यूज कर सकते हो, तभी जब आप उसको रीजन दे दो, असेसी को दे दो कि भाई ऑफ बीइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि भाई तेरे को समझ में आ गया मैं ये काम करने वाला हूं, मैं चेंज करने वाला हूं तेरा एओ, फिर वो शुरू से तेरा दिमाग खाएगा। ठीक है, नंबर दो, रिकॉर्डिंग हिज रीजंस फॉर डूइंग सो, उसको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों हम लोग कर रहे हैं ये चीज, असेसी को रीजन भी देना पड़ेगा और हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, एओ को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, एओ को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना 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 ना, एओ को कोई फर्क नहीं पड़ता, कह रहा है एक केस से दूसरा, वह अच्छी बात है, जा किसी और से सॉल्व करवाओ, मेरे से मत करो। समझ में आ गई बात, एओ को कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट पॉइंट वाली बात तो समझ में आ ही गई होगी, नो अपॉर्चुनिटी बींग हर्ड इज टू बी गिवन ए बोथ एओज आर ऑफिसर सिचुएटेड इन द सेम सिटी लोकेलिटी और प्लेस। चलो आओ दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने कितने कितने सेक्शंस कर लिए। तो बेटा अगर हम लोग ध्यान से देखें, सेक्शंस जो मैंने करवा दिए हैं वो है सबसे पहले सेक्शन नंबर 116, फिर किया था 117, फिर किया था 118, 119, 120, 124 और 127। ये सेक्शंस हम लोग कर चुके हैं, है ना, ये सेक्शंस हम लोग कर चुके हैं। और सबसे पहले जो हम लोगों ने सेक्शन 116 पढ़ा था, 116 जो पढ़ा था That was about income tax authorities. जी हाँ, ये था authorities. तो उसको आप एक जगह पे लिख लो, ये था income tax authorities के बारे में, कौन कौन authorities होती हैं, कौन कौन authorities होती हैं, कौन किसके ऊपर आता है और कौन किसके नीचे आता है, बस सिंपल सी बात। 117 सेक्शन में हम लोगों ने सर क्या पढ़ा था, 117 सेक्शन में हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को अपॉइंट कौन करेगा, इसके बारे में डिस्कस किया था ना हमने, अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। भाई साहब याद करवा के छोड़ूंगा, बार बार क्यों लिखवा रहा हूं, याद करवाना है आपको, ठीक है, याद करना है अभी आपको। 116 हो गया इनकम टैक्स अथॉरिटीज, 117 हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज, 118 सेक्शन, 118 में हम लोगों ने पढ़ा था पावर्स, हमने 118 में और 119 में दोनों में सीबीडीटी की पावर्स हैं, ठीक है, अलग अलग पावर्स की बात की गई थी इसके अंदर, अगर आपको याद आ रहा हो। 118 और 119 को एक साथ लिख लेते हैं, पावर्स ऑफ, ठीक है, 120 सेक्शन में जो आज हम लोगों ने पढ़ा था वो था ज्यूरिसडिक्शन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, फिर हो गया ज्यूरिसडिक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर्स, फिर हो गया पावर टू ट्रांसफर केसेस। इज दैट क्लियर? तो ये हम लोगों ने सेक्शंस कवर कर लिए हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। 116 से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने टैक्स रेट्स वगैरह शुरुआत वाले वो सब चीज़ें करवाऊंगा, बेटा मैं चाहता था कि जो मैंने आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रूट समझाना स्टार्ट किया ना, पहले उसको ख़त्म कर देते, उससे रिलेटेड जो चैप्टर है ना वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग फिर हम टैक्स रेट्स पर जाएंगे, टैक्स रेट्स के बारे में समझाऊंगा, फिर मैं आपको जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, मैं वो वाले टॉपिक भी आपको एक एक करके स्टार्ट करवाऊँ, ठीक है। नाउ सेक्शन नंबर 116 इनकम टैक्स अथॉरिटीज, 117 हो गया पावर टू अपॉइंट, हाउ टू अपॉइंट इनकम टैक्स अथॉरिटी, 118 और 19 हो गया पावर्स ऑफ इनकम टैक्स, पावर्स ऑफ सीबीडीटी, 120 हो गया ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, 124 हो गया, सीधा इसके बाद हमने 124 पढ़ा है, ज्यूरिसडिक्शन के बाद आ गया ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एओ, 127 आ गया पावर टू ट्रांसफर द केसेस, जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है, पावर टू ट्रांसफर द केसेस। एवरीवन आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
और एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, उसको भी कवर अप कर लेते हैं। तो अब हम लोग जो है एक आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, सेक्शन नंबर 129, विच इज़ अबाउट सक्सेशन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो भाई ऐसा हो सकता है कि एक इनकम टैक्स अथॉरिटी वो केस छोड़ के दूसरे इनकम टैक्स अथॉरिटी को दे दिया जाए, दूसरे कोई ऑफिसर को दे दिया जाए। तो वेन एवर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट और इनकम टैक्स अथॉरिटी सीजेस टू एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन, वो ऑफिसर काम छोड़ जाता है, वो कहता है कि भैया मैंने जितना काम कर लिया, अब इसके बाद मैं अब ये केस नहीं संभालूंगा। एंड अनदर इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सरसाइजेज द ज्यूरिसडिक्शन, उस ज्यूरिसडिक्शन को, उस एरिया को कोई और इनकम टैक्स अथॉरिटी अब देख रही है। तो क्या होगा कि जो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी वो केस छोड़ के गई है, जहां तक भी वो सॉल्व करके गई है, वहीं से केस को आगे क्या किया जाएगा, रीअसेस किया जाएगा, उसी के आगे केस को कंटिन्यू किया जाएगा। लिखता है ना, द इनकम टैक्स अथॉरिटी सो सक्सीडिंग मे कंटिन्यू द प्रोसीडिंग फ्रॉम द स्टेज एट विच द प्रोसीडिंग वॉज लेफ्ट। तो जिस प्रोसीडिंग को छोड़ के गया था, जिस डेट पर छोड़ के गया था, जहां तक छोड़ के गया था, उसके बाद से ही उस प्रोसीडिंग को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इसका मतलब है जो प्रीवियस इनकम टैक्स अथॉरिटी होगा वो नए वाले इनकम टैक्स अथॉरिटी को कुछ सारा कुछ बता देगा कि हाँ मैंने यहाँ तक केस सॉल्व कर दिया है, इसके आगे का आप सब कुछ खुद कर लो। तो असेसी चाहे तो इस चीज़ के लिए भी वो डिमांड कर सकता है कि मुझे बताया नहीं गया कि आपने अपनी तरफ से आपने मुझे कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड नहीं दिया। तो आपको अगर आप कोई ट्रांसफ़र करते हो किसी और को केस, और कोई और केस जो है वो लेना चाहता है क्योंकि उस बंदे ने केस छोड़ दिया है, तो ऐसे केस में आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो असेसी मे डिमांड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड, चाहे तो वो असेसी अपॉर्चुनिटी है उसके पास ये पावर्स हैं असेसी के पास कि वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड मांग सकता है, वो नोटिस मांग सकता है कि आपने मुझे बताया नहीं। तो सेक्शन 129 इज अबाउट सक्सेशन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो एक बंदा छोड़ता है वो केस, दूसरा बंदा संभालता है वो केस, और दूसरा बंदा जब वो संभालेगा तो वहीं से केस को संभालेगा जहां से पुराना बंदा छोड़ के गया था, है ना। और ऐसे केस में यस असेसी के पास ये राइट है कि वो ये बोल सकता है कि सर मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड नहीं दिया गया, क्या आपने मेरा केस किसी और को दे दिया है। समझ में आ गई बात। तो इट्स अबाउट सेक्शन 129। नाउ जितने भी हम लोगों ने सेक्शन पढ़े हैं ना, ये जितने भी हम लोगों ने अब सेक्शन पढ़ लिए, ये सारे ऐसे थे जो आपने आज तक तो नहीं पढ़े होंगे। आई गारंटी यू आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे, ये सारे आपके लिए नए सेक्शन थे। बताओ यस या नो। ये वो थे जहाँ पे पावर्स की बातें हो रही हैं डिपार्टमेंट की, ये वो हैं जहाँ पे कह सकते हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास क्या पावर्स हैं, अथॉरिटी के पास क्या पावर्स हैं, ठीक है। कमिश्नर चीफ कमिश्नर सीबीडीटी के बारे में देखा हम लोगों ने, हमने असेसिंग ऑफिसर्स की पावर्स देखी, ज्यूरिसडिक्शन देखी। नाउ इसके बारे में हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ लिया, और यही हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको सारे बातें समझा दी हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना है, क्योंकि आप लोग साथ साथ नहीं लिख रहे हो, मैं तो लिख कर आपको मैटर दे रहा हूँ और आप लोग साथ साथ बाद में उसको लिख रहे हो, तो मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मैं चाहता था कि आप लोग लिखो साइमल्टेनियसली, लिखने की बजाय मैं उसको पहले लिख दूँ और फिर आप उसको कंप्लीट कर लेना। तो आप लोग पॉज करके आराम से लिख सकते हो अब इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने सेक्शंस कौन कौन से कवर करा दिए हैं, सेक्शन नंबर 116 इनकम टैक्स अथॉरिटीज, 117 अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज, 18 और 19 इज अबाउट पावर्स ऑफ सीबीडीटी, फिर इसके बाद 120 इज अबाउट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज, 124 इज अबाउट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, 127 इज अबाउट पावर्स टू ट्रांसफर द केसेस, अगर मैं केसेस को ट्रांसफर करना चाहूं, और 129 इज सक्सेशन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, मतलब एक केस दूसरा केस संभाल रहा है वो बंदा। नाउ दिस इज ट्रांसफर ऑफ केसेस में और इसमें क्या फर्क है, इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, और वो ये कि पावर टू ट्रांसफर द केसेस में कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के पास ये पावर है कि एक एओ से केस लेकर दूसरे एओ को दे दिया। बट यहां पर मैं अगर खुद केस छोड़ रहा हूं, ठीक है, मैं खुद केस छोड़ रहा हूं, तो ऐसे केस में मेरे केस को कौन संभालेगा, या फिर रिटायरमेंट हो गई, ठीक है, रिटायरमेंट हो गई, किसी भी रीजन से मैं केस को छोड़ रहा हूँ, तो ऐसे केस में मेरे केस को कौन संभालेगा। तो जो भी ऑफिसर मेरे केस को संभालेगा वो उसी डेट से संभालेगा, उसी असेसमेंट तक असेसमेंट से संभालेगा जहाँ पे वो छोड़ के गया था पुराना वाला इनकम टैक्स ऑफिसर एओ। समझ में आ गई बात।
उसी वहाँ से ही वो आगे को सॉल्व करेगा, और उसके केस को सॉल्व करने के बाद एसएससी को ये राइट है कि वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मांग सकता है कि मुझे तो बताया नहीं आपने कि ऑफिसर चेंज हो गया। तो इस चीज़ को हम लोगों ने आज तक कभी इंटरमीडिएट में एग्जीक्यूटिव लेवल में नहीं पढ़ा है, ये आप लोगों के फाइनल लेवल के कोर्स में है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बातें हैं, कुछ ऐसी बातें। हाँ जी बच्चों, तो अब मैं बस इस वीडियो के बाद अब आपको इनकम टैक्स रेट्स बताने वाला हूँ। तो इनकम टैक्स के रेट्स को टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, और सारे रेट्स हमें पता होने चाहिए, इंडिविजुअल्स के, एचयूएफ कंपनी के, फर्म के, सब कुछ बताऊंगा। तो पहले मैं उसको वीडियो को आप लोगों को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, साइमल्टेनियसली इसी वीडियो के बाद ही वो स्टार्ट हो जाएगी वीडियो, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा स्टडी नोट 13, और इसके बाद आप टैक्स रेट्स की क्लासेस को अब स्टार्ट करेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स रेट्स। क्या डिस्कस करने वाले हैं? टैक्स रेट्स। एज पर फाइनेंस एक्ट 2020, तो ये उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल हो जाता है जो मई जून 2021 में एग्जाम दे रहे हैं, या फिर नवंबर दिसंबर 2021 में एग्जाम दे रहे हैं। यानी आप लोगों के लिए अगले साल में जो 2021 में एग्जाम देंगे, 2021 में जिनके एग्जाम्स होंगे उनके लिए रेलेवेंट है फाइनेंस एक्ट 2020। तो बच्चों जब मैं बोलता हूँ ना फाइनेंस एक्ट, तो आपको एक बात याद रखनी है, फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट ये दो अलग अलग एक्ट है सर, बिल्कुल अलग अलग है बेटा। बेटा इनकम टैक्स एक्ट तो एक बार ही बन गया, उसमें तो अमेंडमेंट्स आते हैं, वो जो अमेंडमेंट्स आते हैं ना वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, फिर से सुनो ध्यान से, मैंने बोला इनकम टैक्स एक्ट तो एक बारी बन गया, इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो अमेंडमेंट्स आते हैं, वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं। फाइनेंस एक्ट कौन अनाउंस करता है? आर फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी करंटली फाइनेंस मिनिस्टर होंगे ना वो फाइनेंस एक्ट अनाउंस करते हैं। अब बच्चों सवाल ये होता है कि सर फाइनेंस एक्ट जो होता है वो कब अनाउंस होता है? तो बेटा जनरली फरवरी के फर्स्ट वीक में, देखो पहले फरवरी एंड होता था फिर फरवरी फर्स्ट वीक स्टार्ट किया, तो फरवरी मंथ में बेसिकली फाइनेंस एक्ट को अनाउंस कर दिया जाता है। फरवरी मंथ में, फरवरी मंथ इनका फेवरेट होता है क्योंकि उनको वो फाइनेंस एक्ट लॉन्च करना होता है अप्रैल में, और मार्च का ये लोग टाइम रखते हैं कुछ और चेंजेस करने के लिए, जो जो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला उनके ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कुछ एग्जीक्यूशन के ऊपर प्लान करने के लिए मार्च मंथ में वो ध्यान देते हैं। इसलिए फरवरी मंथ में अनाउंस करते हैं, मार्च का मंथ वेकेंट रखते हैं, अप्रैल मंथ में वो एप्लीकेबल करना होता है। टैक्स रेट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टैक्स रेट्स एज पर फाइनेंस एक्ट 2020, जो कि इसका मतलब क्या होता है, असेसमेंट ईयर 2021-22, ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर 2020-21। मैंने आपको हमेशा बताया ना असेसमेंट ईयर जो होता है वो हमेशा नेक्स्ट ईयर होता है प्रीवियस ईयर, या मैं ऐसे बोलूं प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर होता है बच्चों। तो अगर मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर 2021, इट मींस कि मेरी जो कमाई होगी 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, इस पूरे पीरियड में जो मेरी कमाई होगी ना उस कमाई की असेसमेंट होगी 21/22 में, यानी इसकी आईटीआर फाइलिंग मैं 21/22 में करूंगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो आईटीआर फाइलिंग जो हम बात कर रहे थे 21/22 ईयर जो असेसमेंट ईयर होता है, आईटीआर फाइलिंग वाला ईयर होता है, यानी 20/21 की जो मैं इनकम शो करूंगा वो 21/22 में शो करूंगा, 31 जुलाई 2021 को, या फिर जिनकी कंपनीज की ऑडिट होनी है 30 सितंबर 2021 को। मैंने आपको बताया था ITR की ड्यू डेट्स क्या होती हैं, 31 जुलाई, ITR की ड्यू डेट्स 31 जुलाई या 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर 31 जुलाई उनके लिए, जिनकी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है इंडिविजुअल्स, और 30 सितंबर उनके लिए जिनकी ऑडिट मैंडेटरी है। सर किसकी ऑडिट मैंडेटरी है किसकी नहीं वो मैं बताऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में, चिंता नहीं करनी, सब कुछ पढ़ना है, बट अभी इनिशियल क्लासेस में इतनी सारी एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि सब कुछ बता दो एक साथ, नहीं हो सकता। तो हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, बट मजे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टैक्स रेट्स एज पर फाइनेंस एक्ट असेसमेंट ईयर 21/22 प्रीवियस ईयर 20/21, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छे से जानते हो आप लोग, मजा ही आ गया। तो
सर आईटीआर वाली बात समझ में आ गई है आप लोगों को। अब यहां पर हम लोगों ने एक बात और समझनी है सर, हम लोगों ने सुना है टैक्स रेट्स में बहुत चेंजेस आ गए, तो मैं आपको बता दूं जो टैक्स रेट्स में जो लोग चेंजेस बता रहे हैं कि चेंजेस आ गए, तो बच्चों गलत बता रहे हैं। पिछले साल से इस साल में टैक्स रेट्स में ऐसे कोई खास चेंज नहीं आए। तो आप भी लोगों को बताओ, क्योंकि जो बता रहे होंगे शायद वो लोग जानते नहीं होंगे इतने अच्छे से, तो आप लोग बताओगे कि पिछले साल से इस साल में टैक्स रेट्स में कोई चेंजेस नहीं आए, जो पहले थे वही आ जाएं, सिर्फ एक नई चीज ऐड हुई है जिसको ऑप्शनल बोला गया है। क्या बोला गया है? ऑप्शनल। इट मींस पुरानी वाली चीज एप्लीकेबल है, साइमल्टेनियसली एक आपको ऑप्शन दिया जा रहा है नए रेट्स के लिए, उस रेट को एप्लीकेबल करने के लिए आपको कुछ नुकसान उठाने पड़ेंगे, कुछ ऐसी एग्जेम्पशंस होती हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, कुछ ऐसी डिडक्शंस होती हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, उन सब चीज़ों पे ऑप्शन बनाया गया। तो ठीक है, गवर्नमेंट क्लियर है, गवर्नमेंट कहता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, तो वो टैक्स रेट्स ऐसे बनाए कि जहां पर आपको फ़ायदा होगा, बट फिर दूसरी तरफ से एक नुकसान ये करवा दिया, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, बहुत सारी फलाना निमकाना वाली बातें, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोग टैक्स रेट डिस्कस कर रहे हैं, बट ऑप्शन वाली बात शायद आज डिस्कस ना हो सके, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो टैक्स रेट्स एज पर फाइनेंस एक्ट 2020 जो है वो वही रेट्स हैं जो हम लोगों ने फाइनेंस एक्ट 19 के लिए पढ़ा था, और आपको तो पता ही है बच्चों टैक्स रेट्स जो होते हैं हमारे देश में दो तरह के होते हैं। अच्छा, एक होते हैं स्लैब रेट और एक होते हैं फ्लैट रेट्स। हमारे देश में स्लैब रेट भी है, फ्लैट रेट भी है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पे सिर्फ फ्लैट रेट लगता है, कुछ देश ऐसे हैं जैसे जिसमें जहां पे स्लैब रेट लगता है, फ्लैट रेट लगता ही नहीं। हमारे देश में दोनों चीजें, हमारे देश में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, हर चीज लगाएंगे भाई, स्लैब रेट भी लगाएंगे, फ्लैट रेट्स भी लगाएंगे, इनकम टैक्स। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली व्हाट इज स्लैब रेट? स्लैब रेट्स का मतलब हो गया जहां पे आपको एक लिमिट दी जाएगी कि इस लिमिट तक इतना टैक्स, इस लिमिट तक इतना टैक्स, इस लिमिट तक इतना टैक्स, तो यानी लिमिट इंक्रीज करते जाएंगे, टैक्स बढ़ता जाएगा। याद है प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था? प्रोग्रेसिव का मतलब जितनी ज्यादा इनकम उतना ही ज्यादा टैक्स, जितनी कम इनकम उतना ही कम टैक्स। इज दैट क्लियर बच्चों? फ्लैट रेट्स, अगर मैं बात करोगे फ्लैट रेट्स की, तो फ्लैट रेट वो रेट हो गया जो उस इनकम पे लगेगा डायरेक्ट, बिना ये देखे कि स्लैब की लिमिट क्या है, उसको हम लोग फ्लैट रेट बोलते हैं, वहां पे स्लैब लिमिट नहीं होती। इज दैट क्लियर? अब किसके लिए क्या है एप्लीकेबल, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आज ही डिस्कस करेंगे। बट इसको समझने से पहले कि किसके ऊपर स्लैब रेट लगता है और किसके ऊपर फ्लैट रेट, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। बच्चों याद है मैंने बताया था इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शंस हैं? सेक्शंस हैं 298। कितने सेक्शंस हैं? 298। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर कानून में सेक्शन 2 जो होता है वो क्या होता है? डेफिनेशंस होता है। क्या होता है? डेफिनेशंस। तो बेसिकली डेफिनेशंस आपको सेक्शन 2 में मिलेंगी। ओके सर, ये तो बड़ा मजा आ गया। टैक्स रेट्स स्लैब रेट होते हैं, फ्लैट रेट होते हैं। टैक्स रेट्स के लिए मुझे एक डेफिनेशन पढ़नी है, जो मैं कहां से पढ़ूंगा? सेक्शन 2 से पढ़ूंगा। ओके सर, सेक्शन 2 क्लॉज 31 हम पढ़ने जा रहे हैं। पर्सन, आज से अभी से आपको कुछ सेक्शन याद कराने स्टार्ट कर देने हैं भाई। तो बेटा मैं ये चाहूंगा, तो चाहे एग्जामिनर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सेक्शन डालने की, बट मैं ऐसा हूं कि आपको सेक्शन याद करा के ही रहूंगा। इसका रीजन है, देखो आप फाइनल लेवल पे जब जाओगे या प्रोफेशनल लेवल पे जब आप जाओगे, तो आपको वहां पर तो सेक्शन पता होने चाहिए। तो कुछ ऐसे सेक्शन होंगे जो हम लोग डेली यूज करेंगे, जो हम लोग टॉपिक से रिलेटेड करेंगे, तो उसके कुछ सेक्शंस में आपको बोलूंगा याद करने के लिए, वो याद जरूर करना, उसके बिना काम नहीं बनना। और याद हो जाएंगे बच्चों, जब हम बार बार रिपीट करेंगे ना क्लास के अंदर, तो बिल्कुल याद हो जाएंगे।
डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इज दैट क्लियर? सेक्शन 2 क्लॉज 31 पर्सन है, ऐसे ही क्लॉज 1, 2, 3, 4 बहुत कुछ है, बट हम लोग सीधा पर्सन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसका टॉपिक का रिलेशन इसके साथ है। जहां जहां डेफिनेशन आती जाएंगी वहां वहां उसकी डेफिनेशन पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, बट इनकम टैक्स एक्ट की इंट्रोडक्शन में ही कुछ डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट आ जाती है। बच्चों ये एग्जाम में डायरेक्ट आती है, डिफाइन पर्सन। नाउ डिफाइन पर्सन मीन्स यू हैव टू गिव डेफिनेशन, नॉट मीनिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन एंड मीनिंग। मीनिंग का मतलब है आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो इन योर वर्ड्स, इन योर टर्म्स, आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे हो, वो मीनिंग होता है समझना। जबकि डेफिनेशन का मतलब होता है गिव द डेफिनेशन, डिफाइन मतलब गिव द डेफिनेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। एंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 31 पर्सन इंक्लूड्स, लिखना स्टार्ट करेंगे बच्चों, एन इंडिविजुअल अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंपनी फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्संस, यानी मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं एओपी, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं बीओआई। लोकल अथॉरिटी एवरी अदर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। नाउ सर ये तो बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है सर, याद कैसे होगी? बड़ी यार तुम तो डफर बंदे हो यार, याद तो करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास। ऑप्शन हो तो मैं बताऊं, याद तो करना ही है, तो आप मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो, याद तो करना ही है। तो याद करने का मतलब ये है कि आज ही याद करेंगे, आज ही याद करेंगे, अभी याद करेंगे क्लास के बाद, हाँ याद करेंगे और हमेशा याद रखेंगे। सर जब चीजें देखो, कोई भी लॉयर है ना, लॉयर आज किसी लॉयर की बात करें, वकील की बात करें, कि जो वकील है उसको सारे सेक्शन पता होते, गलत, उसको सारे सेक्शन बिल्कुल भी नहीं पता होते। तो सर कैसे कैसे नहीं पता होते? सारे पता होते होंगे तभी तो वो एडवोकेट बना है, ऐसा नहीं है बच्चों। एक्चुअल में पढ़ा उसने सब कुछ है, सेक्शंस भी उसने उस टाइम पे पढ़े होंगे तभी वो एग्जाम क्लियर करके आया। बट अगर मैं एक एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, मैं किसी की भी बात करूं, इन डिग्रीज की बात करूं, तो ये डिग्री लेने के बाद लोगों को सिर्फ अपने प्रोफेशन से रिलेटेड सेक्शन याद रहते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, मैं CMA हूं, मैंने पढ़ाई तो सब कुछ की है, लॉ भी पढ़ा है, टैक्स भी पढ़ा है, हर चीज पढ़ी है, बट मुझे टैक्स के सारे सेक्शंस पता है, बहुत सारे पता है, बट बहुत सारे लॉ कहे मुझे नहीं पता होंगे, याद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मेरा वो प्रोफेशन नहीं है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक एडवोकेट आज क्रिमिनल लॉयर है तो वो IPC की सारी धाराएं पता होंगी उसको, IPC की सारी धाराएं पता होंगी, पर अगर आप उससे कंपनीज एक्ट पूछ लोगे तो शायद वो अच्छे से जवाब नहीं दे पाए। तो एग्जैक्टली बच्चों, फ्यूचर में जब आप प्रोफेशनल डिग्री ले लोगे ना, तो आप लोगों की कोई एक ही लाइन होगी, चाहे आप अकाउंटिंग लाइन में चले जाओ, हो सकता है आप लीगल लाइन में चले जाओ, चाहे आप टैक्सेशन लाइन में चले जाओ, जिस लाइन में होगे आपको उस लाइन के सेक्शन याद करने होंगे और वो आपको हमेशा डेली रूटीन में याद हो जाएगा। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जब हम लोग ये चीज, अब मान के चलो ये आपका प्रोफेशन है, आपको पढ़ना है, आपको डेली रूटीन में सेक्शंस को याद करना, ये डेली रूटीन होगी। चलो सर ने क्या पढ़ाया था, अरे हाँ यार सेक्शन 2 क्लॉज 13 याद करो। अब इसमें लिखा क्या है, बहुत सिंपल है यार, ये वो पर्सन है जिनको इनकम टैक्स पे करना है। कौन है वो लोग? इंडिविजुअल, आप, मैं, हम सब इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सब लोग जानते हैं, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें ज्वाइंट फैमिली बिजनेस होता है,
जो कर्ता होते हैं, जो एल्डेस्ट मेंबर होते हैं फैमिली के, वो कर्ता हो जाते हैं आपकी फैमिली बिजनेस के, वही कर्ता धरता होते हैं बिजनेस में, जो भी डिसीजन होंगे उनके माने जाएंगे। इसके अलावा बाय बर्थ या फैमिली बिजनेस में मेंबर बन जाते हैं। तो एचयूएफ ऐसे ही होता था ना, वही एचयूएफ की बात कर रहा है, कह रहे उस एचयूएफ को भी अपनी इनकम पे टैक्स पे करना है, इसीलिए वो पर्सन की डेफिनेशन में। थर्ड, कंपनी। कंपनी कौन? एज पर कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा लेगा उसको कंपनी बोलेंगे, और उस कंपनी को भी हम पर्सन बोलेंगे, क्योंकि उसको भी अपनी इनकम पे क्या देना है? टैक्स देना है। कैसे देना है? बात करेंगे। फर्म्स कौन होती है बच्चों? पार्टनरशिप फर्म या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLPs। फर्म्स तो फर्म्स होती है सर, चाहे अनलिमिटेड लाइबिलिटी की हो चाहे लिमिटेड लाइबिलिटी की हो, हम सारी फर्म्स की बात कर रहे हैं। उन सब फर्म्स को अपनी इनकम पर क्या देना है? टैक्स पे करना है। कैसे पे करना है? बात करेंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्संस। नाउ व्हाट इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस? ये सर पहली बार सुना है। पार्टनरशिप फर्म तो हमने सुना था, कंपनी सुना था, एचयूएफ सुना था, इंडिविजुअल सुना है सर, एओपी नहीं सुना। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है कोई दो या दो से ज्यादा पर्संस मिलकर काम कर रहे हैं फॉर अ कॉमन मोटिव, हम बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्संस। फिर से सुन लो, कोई दो या दो से ज्यादा पर्संस मिलकर काम कर रहे हैं फॉर अ कॉमन मोटिव, हम बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एओपी। इज दैट क्लियर बच्चों? तो एओपी पर्संस की जब एसोसिएशन की बात कर रहा हूं, मिलकर काम कर रहे हैं फॉर अ कॉमन मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, तो यहां पर पर्संस में सारे आते हैं। इसका मतलब है एक इंडिविजुअल एक कंपनी के साथ मिलकर काम कर सकता है। मान लो मुकेश अंबानी एक नई कंपनी खोल रहा है एक्स वाई जेड, ठीक है, और उस एक्स वाई जेड कंपनी के प्रमोशन करने के लिए उसने ऋतिक रोशन को कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया कि भाई तुम मेरे पास आ जा और आप मिलकर हम काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो आधा आधा कर लेंगे। तो उस वेंचर में, उस एसोसिएशन में उसने ऋतिक रोशन का साथ लिया, क्योंकि ऋतिक रोशन की ब्रांड वैल्यू थी, नाम था, तो एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो ऋतिक रोशन को बुलाया, और यहां पर किसको बुलाया? कंपनी मालिक मुकेश अंबानी, दोनों ने मिलकर एक वेंचर खोल लिया, एसोसिएशन कर लिया एक बिजनेस के लिए। अब एक बिजनेस के लिए जो एसोसिएशन किया, ठीक है, उस बिजनेस को एसोसिएशन में जब किया तो उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बोलेंगे बच्चों, पार्टनरशिप होती है इंडिविजुअल्स की। यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी है, मिलकर काम कर रहे हैं फॉर अ कॉमन मोटिव, हम क्या बोलेंगे? एओपी। क्या बोलेंगे? एओपी। अच्छा बच्चों, अगर सिर्फ इंडिविजुअल्स मिलकर काम कर रहे हैं फॉर अ कॉमन मोटिव, देन दे कैन आइदर गो फॉर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन और they can go for BOI agreement, body of individuals। So मतलब मान लो आप और मैं, हम दो लोग मिलकर एक कॉमन मोटिव रखते हैं कि हम लोगों ने 1000 trees प्लांट करने, पूरे देश भर में 1000 trees प्लांट करने, तू कहीं भी कर मैं भी कहीं भी करूं, टोटल में आके 1000 करने, और फिर हम अलग अलग हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? एक पर्पस आ गया, चाहे प्रॉफिट मोटिव है चाहे नॉट प्रॉफिट मोटिव, पर्पस आ गया, पर्पस के लिए जुड़े हैं, बात में अलग अलग हो जाएंगे, BOI, body of individuals। अच्छा सर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है AOP और BOI में? कि इनका कोई एक्ट नहीं है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का कोई एक्ट नहीं है, BOI का कोई एक्ट नहीं है, पार्टनरशिप का पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनी का कंपनी एक्ट है, HUF के HUF सोसाइटी रूल्स है, फिर इंडिविजुअल के लिए भी कोई वैसे कोई कानून नहीं होता। बट अगर मैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करूं तो इनका कोई कानून नहीं है, तो कानून नहीं है तो फिर इनके लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। बिल्कुल होगी। वो कैसे होगी सर? जो एग्रीमेंट में लिख दिया जाएगा वही इनकी रिस्ट्रिक्शन होगी, क्योंकि देखो दो बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मेंबर्स की सहमति चाहिए ना, तो वो आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे, उस एग्रीमेंट में जो भी लिख दिया जाएगा इनको आपस के टर्म्स को फॉलो करना है, और फिर ये कोई भी डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट में जाएंगे, सॉल्व होगा। कोर्ट में जज कैसे डिसाइड करेगा, कैसे सॉल्व करेगा, वो जज के हाथ में। एग्जैक्टली। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन समझ में आ गया बच्चों, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, दोनों में फर्क समझ में आया? वो पर्संस का एसोसिएशन है, यानी इंडिविजुअल HUF कंपनी कोई भी मिलकर काम कर रहा है, जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स मिलकर काम कर रहे हैं। अब पार्टनरशिप फर्म और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या फर्क है? वो एक प्रॉपर फर्म का पार्टनरशिप डीड करवाते हैं, एग्रीमेंट कराते हैं, जो पार्टनरशिप एक्ट में जाकर रजिस्ट्रेशन होती है। यहाँ पर कोई डीड वगैरह नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर कोई एग्रीमेंट की भी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों BOI में। पार्टनरशिप डीड वहाँ पर पार्टनर्स के लिए पार्टनरशिप डीड होनी जरूरी है। एग्जैक्ट है। तो देखो,
सिंपल सी बात हो गई, एओपी और एक बीओआई। हम वहाँ पे पार्टनरशिप में एक डीड रखते हैं, यहाँ पर हम लोग कोई डीड वगैरह रखते नहीं है, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रखनी है तो ऑब्वियसली रखना चाहिए, मतलब मैं होऊंगा तो जरूर रखूंगा, मेरे ऐसे और भी लोग होंगे तो जरूर रखेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि फ्यूचर में कभी कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट आए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल समझ में आता है। नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी कौन है? एमसीडी, डीडीए, ये सब क्या है बच्चों? लोकल अथॉरिटीज। इन लोकल अथॉरिटीज को भी अपनी इनकम पर क्या देना पड़ सकता है? टैक्स। कब देना पड़ता है वो बातें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ पर्सन बता दूं जो गवर्नमेंट ने लिखा है कि ये पर्सन है इनको टैक्स देना। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या पर्सन पढ़ लिया, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी। लास्ट देखो क्या लिखा है, एवरी अदर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। कितने समझदार लोग हैं यार ये, उन्होंने कहा हम लोग कितने लिख लेंगे यार, कल को कोई और एंटिटी खोल लेगा, इन छियों में नहीं आएगी तो क्या करोगे? कह रहे ऐसे कौन सी एंटिटी है, लोगों ने बोला ऐसी कौन सी एंटिटी है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बताओ कौन है भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी? हाँ भी डी यू, क्या हाल है, कैसे है, बढ़िया डी यू है ना, तू इंडिविजुअल है डी यू? डी यू कोई फैमिली बिजनेस है बच्चों? डी यू कोई कंपनी है? डी यू प्राइवेट लिमिटेड? नहीं। डी यू कोई फर्म है? डी यू एन कंपनी, डी यू एन एसोसिएट्स? नहीं। डी यू कोई एसोसिएशन है? नहीं। डी यू कोई लोकल अथॉरिटी है? नहीं। तो डी यू कहाँ है? सर एवरी अदर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसे ही बच्चों, अगर मैं बात करूं ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये सब इसके अंदर ही आते हैं, क्योंकि ये भी एक आर्टिफिशियल बॉडी है जो ज्यूरिडिकल पर्सन है। इज दैट क्लियर? क्रिएटेड फॉर अ लॉ बाय द लॉ। इज दैट क्लियर? नाउ जब मैं बात करता हूँ DU, ICAI, ICSI, अच्छा ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, कंपनी ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, तो जो ट्रस्ट है वो भी इसी के अंदर आता है। समझ में आ गया बच्चों? ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह सब इसी के अंदर आ रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। सर हमें पर्सन की डेफिनेशन याद नहीं हो रही, मगर मैं कराता हूँ, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। मैं ना जब ये बात बोल रहा हूँ ना, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारी फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो रही, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग ये बात बोल रहे होंगे, नहीं बोलोगे याद नहीं होगा। दिल से थोड़ी सी मेरी इज्जत रख लो, अगर मेरे लिए बोल दोगे बहुत अच्छा लगेगा, आपको याद हो जाएगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। पेपर में मार्क्स हमें 60 70 नहीं, हमें 80 चाहिए, 80 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, 80 से डाउन हमें चाहिए ही नहीं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एवरी अदर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। इज दैट क्लियर? नाउ मैंने ये आपको क्यों कराया, इसका रीजन था क्योंकि मुझे आपको बताना था कि स्लैब रेट्स किसको देने हैं और फ्लैट रेट किसको देने हैं। जब तक आपको पर्सन यही नहीं पता होंगे तो मैं फिर कैसे बताऊंगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूं स्लैब रेट्स लगते हैं आज के टाइम पर इंडिविजुअल्स पर, लिखो इंडिविजुअल्स पर, एचयूएफ पर, कंपनी पर एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन को मैंने एजेपी बोल दिया। एक ही बात है बेटा, बीजेपी नहीं भाई, एजेपी, ठीक है? हाँ पता चले एजेपी की जगह बीजेपी लिख दिया, सर वो तो भारतीय जनता पार्टी होती है। फ्लैट रेट्स, फ्लैट रेट्स की बात करें ना, फ्लैट रेट्स किसके ऊपर है? फ्लैट रेट्स लगते हैं फर्म्स पर, फ्लैट रेट लगते हैं कंपनी पर, फ्लैट रेट लगते हैं लोकल अथॉरिटी पर। ओके सर, डन सर, डन। इंडिविजुअल डन, एचयूएफ डन, कंपनी डन, फर्म डन, एओपी बीओआई डन, एओपी बीओआई डन नहीं, सॉरी इंडिविजुअल, एचयूएफ, आई एम वेरी सॉरी बच्चों, कंपनी मैंने यहां गलती से लिख दिया, एओपी बीओआई का सॉरी भावनाओं में बह गया। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी बीओआई और एजेपी फ्लैग रेट्स, ठीक है? जबकि फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटीज के अंदर है। तो हो गया ये भी, हो गया लोकल अथॉरिटी, हो गया एजेपी। इज दैट क्लियर बच्चों? इसके अलावा स्लैब रेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लगते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ना उसके ऊपर भी स्लैब रेट लगते हैं, बट थोड़ा सा स्लैब रेट में चेंजेस हैं। अब तुम बोलोगे सर वो तो आप एजेपी में बोल ही रहे हो कि एजेपी में ही आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट एजेपी वाला जो स्लैब रेट होगा ना वो स्लैब रेट नहीं लगता कोऑपरेटिव सोसाइटी में, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, क्या होती है वो हम लोग पढ़ेंगे ना, अभी टैक्स रेट्स लिखते हैं। हाँ स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टैक्स रेट्स, तो आप लोग मेरे पीछे पीछे लिखेंगे टैक्स रेट्स, और टैक्स रेट्स में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किससे, स्लैब रेट से।
चलो कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा कलर लेते हैं, रेड लेते हैं, रेड स्लैब रेड। आई होप सब कुछ दिख रहा होगा, विजिबल होगा, मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। स्लैब रेड, स्लैब रेड्स में अगर हम बात करें, सबसे पहला जो हम लोग फर्स्ट कैटेगरी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेन वुमेन रेजिडेंट्स। मैन वुमेन रेजिडेंट्स का मतलब क्या हुआ बेटा? इंडिविजुअल, मैन इंडिविजुअल है, वुमेन इंडिविजुअल है कि नहीं? तो मैन वुमेन रेजिडेंट्स, एज बिलो 60 ईयर्स, इज दैट क्लियर बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी उम्र 60 से कम है, यानी 59 है, जिनकी उम्र 60 से कम है यानी 59 है, उन लोगों के लिए ये स्लैब लगता है। ओके सर, बहुत ही बढ़िया सर। सर इसका मतलब है 60 वालों के लिए अलग स्लैब होगा। परफेक्ट, क्या बात करते हो यार, तुम तो मजेदार बात करते हो। सेकंड, बिल्कुल सही बात है। जो सेकंड स्लैब पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे उन रेजिडेंट्स के लिए जिनकी उम्र 60 से ऊपर है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। तो व्हेन वुमेन रेजिडेंट्स एज बिलो 60 ईयर्स, ओके। अब एक बात और थोड़ा सा मैं यहीं पर बता देता हूं। वैसे तो ये बात मैंने शायद आपके नोट्स में, आपके बुक में जरूर मिलेगी, बुक में जरूर होगा, बट मैं फिर भी यहीं पे बता देता हूं। 60 कब अचीव हुआ? मान लो किसी पर्सन का बर्थ डेट 30th मार्च है। क्या है? 30th मार्च। अब 30th मार्च का मतलब हो गया कि 1st अप्रैल, मान लो 1st अप्रैल 2019 को से लेके 30th मार्च 2020 में जाके वो 60 साल का हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, 60 साल वाला स्लैब लगाएंगे या 59 इयर्स वाला स्लैब लगाएंगे? क्योंकि पूरे साल तो तू 59 का रहा है, 30 मार्च को तू 60 साल का हो गया। अब इसमें उस इंडिविजुअल की गलती है? नहीं भाई, क्यों गलती है, क्या गलती है? आपने बोला मैन वुमेन की एज 60 अगर हो गई तो 60 वाला स्लैब लगेगा, तो सही कह रहा है वो बंदा, बिल्कुल सही कह रहा है, समझ में आ गया। मतलब 30 मार्च को, यानी प्रीवियस ईयर में 30 मार्च को भी अगर आप 60 साल के हो जाते हो ना, तब भी आपके लिए यही स्लैब लगेगा। ओके सर, डन, वेरी गुड। एक और बात, 31 मार्च, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर में आता है, तो इसमें भी अगर आप 60 साल के हो जाते हो ना, और पहले 59 के थे, पूरा साल 59, इसमें आप 60 साल के हो गए, तो आपको इसमें भी ये बेनिफिट मिलेगा। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आ गया। एक और बात, गवर्नमेंट ने फ्यूचर में क्लेरिफिकेशन दी और वो आप लोगों के हक में दी। कहा अगर जो असेसमेंट ईयर होता है, मतलब 2021, यानी 1st अप्रैल 20, आपका डेट ऑफ बर्थ जो पड़ा वो कहां पड़ा? 1st अप्रैल 20, अप्रैल फूल। अगर 1st अप्रैल 20 को डेट ऑफ बर्थ पड़ता है बच्चों, और आप तब जाके 60 साल के होते हो, तो गवर्नमेंट ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1st अप्रैल को भी 60 साल का वो हो जाता है ना, तो भी हम लोग 60 साल वाला स्लैब लगा देंगे उस बंदे के ऊपर। यानी गवर्नमेंट ने 30 मार्च को तो आप छोड़ ही दो ना, 30 मार्च तो समझ में आ ही गया होगा, 31 और 1st अप्रैल को याद कर लो। ये गवर्नमेंट ने 1st अप्रैल वाली क्लेरिफिकेशन दी है जो आपके हक में दी, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि यार ठीक है यार, थोड़ा सा फेवरिज्म कर दो उस बंदे के लिए भी, क्योंकि वो बुजुर्ग तो है ही, अब 60 साल का पहुंच गया वो। तो गवर्नमेंट ने कहा 1st अप्रैल को भी तुम 60 साल के अगर होते हो ना, तो हम लोग जो है आपको 60 ईयर्स वाला स्लैब का बेनिफिट दे देंगे। यानी ये जो 1920 की कमाई होगी ना, उस पर 60 ईयर्स वाला स्लैब लगेगा, ना कि 60 से बिलो वाला। अब ऑब्वियसली 60 वाला स्लैब की गुंजाइश, आप 60 वाला स्लैब के लिए रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो, गुजारिश क्यों कर रहे हो? क्योंकि 60 वाला स्लैब में गवर्नमेंट आपको बेनिफिट ज्यादा देता होगा। यस या नो? बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना? पक्की बात है, ये बात आपको बुक में भी मिल जाएगी, बट स्टिल मैंने आपको करवा दिया, एक बार आप वहां से रीडिंग करोगे तो मजा आ जाएगा। सो मैन वुमेन रेजिडेंट्स बिलो 60 अगर आप रहते हो, यानी 59 रहते हो, तो आपके लिए ये स्लैब है। बट अगर आप 30 मार्च, 31 मार्च या 1st अप्रैल को जाके भी 60 ईयर्स के हो जाते हो, तब भी आपको गवर्नमेंट स्लैब रेट 2 दे देगी, यानी 60 ईयर्स वाला स्लैब दे देगी। ओके सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स
और मैं नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स में कोई एज नहीं लिख रहा हूँ, देख रहे हो आप लोग, मैंने कोई एज नहीं लिखी। इसका मतलब है नॉन रेजिडेंट की उम्र 40 हो, 60 हो, 80 हो, 100 हो या 100 प्लस हो, यही स्लैब है। नॉन रेजिडेंट समझते हो बच्चों? हम लोग ना एक चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद, रेजिडेंशियल स्टेटस नाम है उसका। उसका मतलब होता है कि आपकी इनकम्स पर टैक्स लगाएंगे। रेजिडेंट वो लोग होते हैं जो हमारे देश में ज़्यादा रहते हैं, नॉन रेजिडेंट वो होते हैं जो हमारे देश में कम रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रेजिडेंट्स हमारे देश की फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा यूज़ करता है, तो उसका टैक्स भी ज़्यादा बनना चाहिए। नॉन रेजिडेंट का फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कम करता है, तो उसका टैक्स कम बनना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस रखा। अब यहाँ पर सिर्फ 60 इयर्स वाले रेजिडेंट्स के लिए उन्होंने कुछ बेनिफिट दिया कि भाई 60 इयर्स वाले जो रेजिडेंट है उनके लिए हम लोग स्लैब का रेट भी रखेंगे, नेक्स्ट एक अच्छा स्लैब देखेंगे, एग्जेम्पशन लिमिट ज़्यादा देंगे, और थर्ड वाले केस में। बट आप रेजिडेंशियल स्टेटस में जब जाके पढ़ोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि रेजिडेंट्स जो होते हैं ना, वो हर तरह की इनकम पे टैक्स इंडिया में देते हैं, क्योंकि वो इंडिया के रेजिडेंट हैं। वो गुनाह है उनका, क्या गुनाह है उनका, कि भाई तू कहीं से भी कमा, यूएस से कमा, यूरोप से कमा, ऑस्ट्रेलिया से कमा, न्यूजीलैंड से कमा, आसमान से कमा, या पाताल से कमा, या फिर कमा अफ्रीका के जंगलों से, हाँ टैक्स कहाँ देना पड़ेगा, इंडिया में। क्यों, गुनाह क्या है तेरा कि तू इंडिया का रेजिडेंट है। रेजिडेंट के लिए बच्चों कंडीशन होती है 182 डेज वाली, बहुतों ने सुना भी होगा, हम लोग बाद में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतनी नॉलेज काफ़ी है। मज़ा समझ में आया, मतलब समझ में आ गया सबको? रेजिडेंट्स, सर सर जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं, तो फिर देखो रेजिडेंट्स को हर तरह की इनकम पर टैक्स देना, तो कहीं से भी कमा। नॉन रेजिडेंट जो होते हैं उसको हर तरह की इनकम पर टैक्स इंडिया में नहीं देना, क्योंकि वो इंडिया में रहता ही नहीं ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि देखो इसको उस इनकम पर टैक्स लगाओ जो इनकम का कनेक्शन इंडिया के साथ हो, यानी या तो वो उसने पैसे इंडिया में रिसीव किए हो, या फिर वो कमा इंडिया से रहा हो। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में आके कमाता है, इंडिया से कुछ पैसे कमाता है, तो एक्रूराइज कहाँ से हुआ, इंडिया से, तो इंडिया में टैक्स देगा, या फिर वो रिसीव इंडिया में कर रहा है तो इंडिया में टैक्स देगा। बात समझ में आती है बच्चों? बहुत ही बढ़िया। तो मैन वुमेन रेजिडेंट्स एज बिलो 60 ईयर्स, नॉन रेजिडेंट में मैंने कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लिखी, इसका मतलब है सबके लिए यही स्लैब है। बट कुछ फायदे के लिए, कुछ नुकसान के लिए, दोनों चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने नॉन रेजिडेंट को कहा कि भैया हम लोग इनके लिए स्लैब क्यों बनाएं, अलग अलग क्यों बनाएं, भाई कौन है ये, तो NRI लोग हैं, हमारे यहाँ रहते भी नहीं है, इनसे तो टैक्स वसूलना चाहिए ज़्यादा। बट अगर आप रेजिडेंशियल स्टेटस देखोगे तो इनकी सारी इनकम्स पे टैक्स नहीं लगाया गया, समझ में आया? तो आप लोग पढ़ोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। AOP/BOI एंड एवरी अदर AJP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो बच्चों ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, है ना? पक्का? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। मुझे आप लोगों को पढ़ा के बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब कोई डाउट आए तो बेटा मेरा WhatsApp नंबर आप लोगों के पास है, आप लोग WhatsApp कर सकते हो, ठीक है? कभी भी मैं इंस्टेंट रिस्पांस देने की कोशिश करूँगा, नहीं दे पाया तो मैं आपको रिस्पांस ज़रूर दूंगा। एक दिन डिले हो जाता है भैया, हम भी इंसान हैं, हमारे भी कुछ फैमिली वगैरह भी हैं, तो हम लोगों को भी देखना पड़ता है, तो इसलिए कभी कभार कोई लेट हो सकता है, डिले हो सकता है, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? नाउ आगे बढ़ते हैं। तो मैन वुमेन रेजिडेंट, तो मैं यहाँ पर अब मैं लिखने जा रहा हूँ स्लैब। सर स्लैब क्या है? ₹2,50,000 टैक्स है बच्चों, नील 2,50,000 ₹1 से लेके 5 लाख पर टैक्स है बच्चों 5%। 5 लाख ₹1 से लेके 10 लाख तक टैक्स है बेटा 20%। और अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम कमाते हो तो टैक्स है बेटा 30%। बताओ समझ में आता है? 5, 20 और 30। तो आपको बताना है कि मेरी इस इनकम पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो आपकी इनकम है, ये आपकी इनकम का स्लैब बनाती है। 2.5 लाख तक की लिमिट पर 0, 2.5 से लेके 5 पर
5 लाख, 5 लेके 10 पे 20%, अबव 10 लाख पर 30%। अच्छा, हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पहले ढाई लाख पर 0, अगले ढाई लाख, बेटा देखो ढाई लाख से 5 लाख का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस, अगले ढाई लाख 1 रुपए से 5 लाख की बात हो रही है, तो अगले 2.5 लाख जो होंगे ना उस पर 5%, और फिर 5 लाख से 10 लाख रुपए यानी अगले 5 लाख रुपए पर 20%, और अबव 10 लाख जो भी होगा बच्चों, जो बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर कितना, 30%। समझ में आता है बच्चों? ओके सर, खत्म, बस इसके अलावा कुछ नहीं? नहीं बेटा, क्या बात कर रहे हो, ऐसे गवर्नमेंट क्या छोड़ती है। प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, गवर्नमेंट हमसे एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेती है जो कि है 4%, और सेस का मतलब होता है बच्चों टैक्स ऑन टैक्स। क्या मतलब होता है? टैक्स ऑन टैक्स। तो जनरली जो इनकम टैक्स में सेस होते हैं वो टैक्स ऑन टैक्स होता है, यानी जो टैक्स आएगा ना उसी के ऊपर टैक्स निकाले, इनकम के ऊपर अलग से नहीं लगेगा, इनकम टैक्स में, डायरेक्ट टैक्सेस में बात करो तो डायरेक्ट टैक्सेस में जो सेस लगता है वो टैक्स ऑन टैक्स लगता है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो जो मेरा टैक्स होगा उसी के ऊपर टैक्स लगा दो। ओके, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का टैक्स आया, ये वाला, यहां से निकाल के 100 रुपए का आया, तो इस 100 रुपए के ऊपर 4%, 100 रुपए के ऊपर 4% करेंगे तो कितना आएगा, 4 रुपए, टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी, 104 रुपए। समझ में आता है बच्चों? वेरी गुड सर, हमें तो ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई, वेरी गुड। तो आपको ये स्लैब याद रखना है, और फिर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वाली बात पता होनी चाहिए, ठीक है। आओ एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं कितना आता है आपको। अब जिसको आता है वो खुद ट्राई करे, ठीक है, और जिसको नहीं आता प्लीज देखो, ठीक है। एग्जाम्पल, मिस्टर देव एज 48 ईयर्स, हिज नेट इनकम इज रुपीज 12 लाख, नेट इनकम कितनी है, 12 लाख, इन प्रीवियस ईयर 2000, इन प्रीवियस ईयर 2000 2021 में, यानी 1/4/20 से लेकर 31 मार्च 2021 तक उसने 12 लाख रुपए कमाए थे। किस सोर्स से कमाए थे ये अभी चिंता करने वाली जरूरत नहीं है, हम लोग पहले टैक्स रेट्स पढ़ रहे हैं बेटा, फिर हम लोग इनकम्स में भी जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टैक्स रेट्स। तो इस नेट इनकम इज 12 लाख रुपीज इन प्रीवियस ईयर 2021, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। कंप्यूट इस टैक्स लाइबिलिटी, आपको इनकी टैक्स लाइबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो करें बच्चों? ठीक है सर, करते हैं, आओ आओ बच्चों, टैक्स लाइबिलिटी देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। सो आपकी प्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट होगी सर? बच्चों को लगता है कि ऐसे क्वेश्चन तो कभी नहीं आते होंगे, बट मैं आपको बता दूं, आप हैरान हो जाओगे, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके, 2 नंबर का ही आया, या फिर कोई MCQ बन के आ गया, बट आ जरूर चुका है। तो इसीलिए अगर MCQ आ गया तो आपको वही मार्क करना है, और अगर 2 नंबर का है तो आपको एक प्रेजेंटेशन जरूर रखनी चाहिए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर देव, ओके, ये हमारा सॉल्यूशन होगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। तो आपको क्या करना है, अब आपने इसकी इनकम कैलकुलेट करनी है। ओके, तो फर्स्ट 12 लाख की इसकी इनकम है, फर्स्ट, अब इसके 12 लाख के ना टुकड़े करने स्लैब के हिसाब से। स्लैब क्या था, पहले 2.5 लाख पर 0, यानी
फर्स्ट 2,50,000 पर स्लैब पे कितना इनकम, कितना टैक्स लगेगा? जीरो। नेक्स्ट 2,50,000 पर टैक्स कितना लगेगा? 5%, विच इज इक्वल टू 12,500। नेक्स्ट 5,00,000 पर टैक्स कितना लगेगा? 20%, तो टैक्स कितना हो गया? 1,00,000 रुपीज। ओके, तो बच्चों आपने देखा मैंने उस 12,00,000 के टुकड़े कर दिए बच्चों, 2,50,000 अलग कर दिया, 2,50,000 अलग कर दिया, 5 अलग कर दिया, बचा कितना? 10 से ऊपर कितना? 2। समझ में आया? नहीं आया? 12,00,000 रुपए की मेरी इनकम थी, इससे कर दो। ये जो स्लैब है ना, स्लैब ये अप टू 2,50,000 जीरो है, 2,50,000 से लेके 5,00,000 पर 5। इसका मतलब है वो जो अगले 2,50,000 का कंपोनेंट है उस पर 5 है, फिर उसके बाद 5 से लेके 10,00,000 पर 20, यानी उसके अगले 5,00,000 पर 20%। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जाएगा, इसी को प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं। 10,00,000 से इनकम कितनी ज्यादा है मेरी? मेरी इनकम है कितनी बच्चों? 12,00,000। तो 10,00,000 से कितनी ज्यादा है? 2,00,000। तो बैलेंस 2,00,000 रुपए के ऊपर, बैलेंस 2,00,000 रुपए के ऊपर आपको टैक्स पे करना है 30%, विच इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। टोटल हो गया 1,72,000। ओके, बट क्या ये हमारा कंप्लीट आंसर है बच्चों? नहीं, क्योंकि मैंने तो अभी सेस भी कैलकुलेट करना है। सर आपने सेस बता तो दिया, बट सेस का मतलब मैंने बताया, टैक्स ऑन टैक्स। अब क्यों ले रही है? अरे भाई नाम में लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है ये हमसे। अरे इनकम टैक्स कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बताया था ना पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1। एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1 क्या बोलता है? इनकम टैक्स, जिसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। यानी ये कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके लिए? हेल्थ के लिए। हॉस्पिटल्स, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल चल रहे हैं वहां पे डॉक्टर्स अच्छे खासे आते हैं, नहीं आते? तो उनको तनख्वाहें कहां से जाती हैं? यहीं से जाती है। एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, नहीं चल रहे? आपको पता है स्कूल के टीचर्स की बहुत अच्छी सैलरी मिलती है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को? कहां से मिलती है? समझ में आ गया बच्चों? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो बच्चों हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो मैं बोल रहा हूं आपको 4% का, ये आपने अब इसके ऊपर कैलकुलेट करना है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% कितना आ जाएगा? 1,72,000 पे 4% करो, आ जाएगा 6,880। ओके, और मेरा टोटल बन जाएगा बच्चों 1,78,880। ये हो गई मेरी टैक्स लाइबिलिटी। क्या हो गई मेरी टैक्स लाइबिलिटी? ओके बच्चों, तो ये नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन, समझे आप कैसे बनाना है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने क्या करने हैं 12,00,000 के टुकड़े करने। मैं फिर से एक बार ये इस तरीके से भी बता दूं, ये जो 12,00,000 रुपए की आपने इनकम कमाई है इसके टुकड़े करने, 2,50,000 अगला टुकड़ा, फिर 2,50,000 अगला टुकड़ा, फिर 5,00,000 और उसके बाद का टुकड़ा 2,00,000। 2,50,000 पर 0, 2,50,000 पर 5%, ये 5,00,000 पर 10%, सॉरी 5-10 की जगह 20%, और ये 2,00,000 रुपए पर 30%, ये स्लैब है, ये टैक्स निकाल देंगे, उसको एसएस कैलकुलेट कर लेंगे, दैट्स इट। समझ में आया? तो यानी अगर मेरी इनकम 10,00,000 होती बच्चों तो क्या होता? 2,50,000 और 5, ये आता ही नहीं। सर मेरी इनकम अगर 8,00,000 होती तो 2,50,000 कितने हो गए? 5,00,000 हो गए, कितने बच गए? 3, तो वही स्लैब में आता बस। सर इसके आगे नहीं मतलब ही नहीं बनता, इससे आगे तब जाना जब 10 से ऊपर हो। इज दैट क्लियर बच्चों? आओ एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, फिर हम लोग अगले स्लैब पे चलेंगे। मिस्टर प्रसाद एज 57 ईयर्स, हिज
नेट इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 2020-21 इज रुपीज 6 लाख. कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी. ओके बच्चों, तो आपको टैक्स लाइबिलिटी इनकी कैलकुलेट करनी है. सर ऑप्शन वाली बात भी, तो ऑप्शन वाली बात मैं बताऊंगा ना, चिंता क्यों करते हो यार, ऑप्शन वाली बात बताऊंगा. बट पहले ये पता होना चाहिए, जो आज पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने पिछले टैक्स रेट्स नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी है. ओके बच्चों, तो अभी हम लोग आएगा वो वाला पॉइंट, अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना. तो एक बार ही बहुत सारे बच्चों ने अपने आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया होगा, मैं ये समझता हूँ, तो अच्छी बात है, करो, कोई दिक्कत नहीं है. आप लोग पहले ही कर लो. सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, हम जो भी काम करेंगे प्रेजेंटेशन में करेंगे, प्रेजेंटेशन मैटर्स बच्चों. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर प्रसाद फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22. तो इस 6 लाख रुपए को हमें स्लैब में बांटना है. स्लैब क्या था पहले? 2.5 लाख पर जीरो. आओ, पहले 2.5 लाख पर तो जीरो. ओके, अब अगले 2.5 लाख पर कितना? नेक्स्ट 2,50,000 पर कितना? 5%. आओ, ओके, अब 5 लाख हो गए. 5 लाख की इनकम पे टैक्स निकाल दिया. अगर 5 लाख ही होता ना सला इनकम, तो ये आपका टैक्स बनता, ठीक है. बट अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है, तो मुझे 5 से ऊपर जाना है. अगले 5 लाख पर 20%. बट अगले 5 लाख क्यों जाऊं जब इनकम ही मेरी 6 है? तो 5 खत्म, 1 ही और रह गया, तो वो अगले स्लैब में चला जाएगा. नेक्स्ट 1 लाख रुपीज पे 20%. आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. 32,500 ये मेरा आ गया, प्लस HEC एट द रेट ऑफ 4%. कोई डाउट हो आप लोग इमीडिएटली प्लीज मैसेज करेंगे मुझे, मैं जवाब दूंगा. $32,500 × 4% = $1,300. सेकेंड पॉइंट देखेंगे. सेकेंड पॉइंट हो गया रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एज 60 और अबव बट बिलो 80. 60 या उससे ज्यादा है बट 80 से कम है. 60 या उससे ज्यादा है बट 80 से कम है, उनके लिए ये स्लैब है. यानी बुजुर्गों के लिए जो 60 प्लस हो जाते हैं बट 80 से कम है, क्योंकि 80 के लिए अलग स्लैब है. तो गवर्नमेंट ने बोला कि फर्स्ट 3 लाख रुपीज तक हम टैक्स रखेंगे जीरो. 3 लाख 1 से 5 लाख कितना? 5%. 5 लाख 1 रुपी से 10 लाख रुपीज तक 20%, और अबव 10 लाख रुपीज 30%. सर ये तो वैसे ही स्लैब है. हाँ, बस फर्क क्या आ गया, वहां 2.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट थी, यहां 3 लाख. अब कोई भी पर्सन जिसको 50,000 रुपए का भी एक एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, तो यार क्यों नहीं लेगा, ठीक है ना? समझ में आ गया. तो इसीलिए इस स्लैब में थोड़ा सा एक एडवांटेज जरूर रहता है. इसके बाद इसके अलावा प्लस, देखो ये तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप बुजुर्ग क्यों ना हो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%. ओके, तो ये तो लगेगा ही लगेगा. इज दैट क्लियर? और 60 ईयर्स वाली बात मैंने कहानी आपको बता दी, कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च है,
और 31 मार्च के आप 60 ईयर्स के हो जाते हो, पूरे साल 59 के थे, तब भी आपको 60 वाला स्लैब लगेगा, यानी ये वाला स्लैब। और अगर आप 1 अप्रैल का भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, तब भी आपको गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया, 1 अप्रैल तक के लिए गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया कि अगर आपका 1 अप्रैल को ही डेट ऑफ बर्थ आता है तो आपको मान लिया जाएगा कि आप 31 मार्च में ही 60 साल के हो चुके थे। समझ में आ गई ना बात? तो उस केस में कोई लॉजिक नहीं है, उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक बेनिफिट है। फिर हम बात करते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। अब ये इनको तो हम बोल सकते हैं सीनियर सिटीजन्स, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 60 या उससे ज्यादा हो जाए, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जिनकी एज 80 और अबव हो जाए, बट भाई बिलो की कोई जरूरत नहीं है, 80 बहुत ज्यादा है, 80 या उससे ज्यादा। तो अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी 80 या उससे ज्यादा हो जाए, हम इसको बोलते हैं बच्चों सुपर सीनियर सिटीजन्स। सुपर सीनियर सिटीजन्स। अब इनके लिए एज 80 और अबव, एज 80 और अबव रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हुआ सुपर सीनियर सिटीजन्स, उनको सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं क्योंकि इनकी एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है। जैसे हम लोगों ने 60 के लिए पॉइंट पढ़ा था ना बच्चों, एग्जैक्टली वैसे ही पॉइंट 80 के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। यानी आप 31 मार्च को अगर 80 साल के हो जाते हो तो आपके लिए 80 साल वाला स्लैब लग जाएगा, और अगर आप 1 अप्रैल जो कि असेसमेंट ईयर है, अगर असेसमेंट ईयर में भी जाके आप 80 साल के हो जाते हो, तब भी गवर्नमेंट आपको मान लेगा कि आप 31 मार्च को ही 80 साल के हो गए। एग्जैक्टली, तो इसीलिए गवर्नमेंट आपको ये बेनिफिट देगा, और यहाँ पर बेनिफिट अच्छा खासा है बच्चों। पहले 5 लाख पर आपको टैक्स ही नहीं देना, पहले 5 लाख तक आपको टैक्स ही नहीं देना बच्चों, बहुत ही बढ़िया यार ये तो। सर 5 लाख रुपए तक तो टैक्स ही नहीं देना, फिर 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपए की इनकम पर आपको टैक्स पे करना है कितना? सीधा 20, सीधा हार्ट अटैक भाई। 5 तो देना ही नहीं, क्यों? 5 तक तो हटा ही दिया ना, यहाँ तक तो खत्म ही कर दिया स्लैब, ये तो जीरो ही कर दिया। इसके बाद इसके ऊपर अगर कुछ होगा तो ये वाला स्लैब आगे कंटिन्यू रखा, तो सीधा ही 20। और अगर आप 10 लाख से ज्यादा कमा गए तो 30%। अब कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर सुपर सीनियर सिटीजन इतनी पैसे कहाँ कमाते होंगे? अरे क्या बात कर रहे हो यार, बैठे बैठे बहुत इनकम्स कमा रहे हैं, इंटरेस्ट से कमा रहे हैं। ये बहुत अमीर है जिनके पास FD करोड़ों रुपए की है, जिनकी FD ही करोड़ों रुपए की है, उनका उनको साल का कितना इंटरेस्ट आता है बच्चों? उनकी 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख कुछ भी नहीं है, समझ में आया? तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे पैसे कमा रहे हैं 10 लाख से। और प्रॉपर्टी का किराया बच्चों 80 ईयर्स अबव हो जरूर हो, बट आप प्रॉपर्टी के मालिक हो, इसलिए किराया आप ही के हाथ में आता है। तो 80 प्लस होने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा खासा किराया कमाते हैं, ठीक है? तो 30% का टैक्स उस केस में लगेगा जब 10 लाख से ज्यादा इनकम हो। प्लस ये तो लगेगा ही, इसको कैसे भूल जाएंगे हम, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ओके, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। अब सिर्फ एक बात पर ध्यान देना, मैंने आपको पहले वाला जो स्लैब कराया था उसके अंदर सब लोग थे, मेन वुमेन रेजिडेंट्स जिनकी उम्र 60 से कम है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP, BOI, एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिटिकल पर्सन। इज दैट क्लियर? नाउ जब मैं बात करता हूँ स्लैब नंबर 2 की, वहां पर अब जो है सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं जिनकी उम्र 60 और उससे ज्यादा है। और जब हम बात करते हैं सेकेंड स्लैब की, थर्ड स्लैब की, वो है 80 अबव वाले सुपर सीनियर सिटीजन। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो ये है आपका टैक्स रेट। आओ एक दो क्वेश्चन इनके भी ट्राई कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं सर, आओ इनके भी एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। मिस्टर अमिताभ बच्चन, एज
70 में हुआ वैसे, चलो 68 years. His net income is rupees 40 lakh. In previous year 2020-21, compute his tax liability. Okay sir, बहुत आसान है, 40 लाख रुपए की इनकम है, वेरी गुड. तो अब हमें सॉल्व करना है इसको, कैसे करेंगे. 60 प्लस का स्लैब लगेगा बेटा. पहले तो आपको ये पता लगाना है बंदा रेजिडेंट है या नहीं, क्योंकि अगर ये बंदा नॉन रेजिडेंट निकला, तो इसके लिए लगेगा स्लैब वन. क्यों, स्लैब वन में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था नॉन रेजिडेंट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है. अगर ये अमिताभ बच्चन नॉन रेजिडेंट निकला, भाई नाम इंडियन होने से आप रेजिडेंट नहीं बन जाओगे. इंडियन होना जरूरी नहीं है, रेजिडेंट जो होता है वो होता है जिसका स्टे इंडिया में तकरीबन आधे साल से ज्यादा हो. उसके लिए हम कंडीशंस बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. बट अभी हम एक एग्जांपल लेके चले कि सर मिस्टर अमिताभ बच्चन नॉन रेजिडेंट भी तो हो सकता है, मान लेते हैं नॉन रेजिडेंट है. सर अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो कौन सा स्लैब लगेगा, वन या टू, क्योंकि एज तो 60 प्लस है, तो टू तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि टू तो लगता है सिर्फ रेजिडेंट के लिए जिनकी उम्र 60 प्लस है. समझ में आया. अब यहाँ पे फर्स्ट स्लैब लगेगा अगर वो नॉन रेजिडेंट. तो अगर मान लो क्वेश्चन में रेजिडेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो रेजिडेंट मान लो, क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो रेजिडेंट मान लो, तो कुछ भी नहीं लिखा ना तो हम लोग रेजिडेंट मानेंगे. और अगर हम रेजिडेंट मानेंगे तो हम लोग सेकंड स्लैब लगाएंगे. और सेकंड स्लैब क्या कहता है बेटा, पहले तो हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अमिताभ फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, ठीक है. तो अब क्या करना है, फर्स्ट 3 लाख रुपीस टैक्स पे करेंगे निल. नेक्स्ट अब 3 लाख से लेके 5 लाख तक जाना है बच्चों, तो नेक्स्ट 2 लाख रुपीस 5% विच इज इक्वल टू 10,000. नेक्स्ट 5 लाख रुपीस पर टैक्स 20% विच इज इक्वल टू 1 लाख. और बैलेंस 10 लाख रुपए हो गया बच्चों, तो 10 लाख से ऊपर जितना भी होगा उस पर कितना लगाना है, 30%. कितना ऊपर है, 30 लाख, तो उसके ऊपर कितना लगेगा, 30%. तो 30 लाख पर 30% इज इक्वल टू 9 लाख. टोटल टैक्स हो गया बच्चों 10,10,000. और इसके ऊपर हम लोग देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%. और 4% के हिसाब से दस लाख दस हजार पर 4% विच इज इक्वल टू 40,400, ठीक है. 40,400 टोटल हो गया 10,50,400. ये हमारी, इसको बोलते हैं बच्चों टैक्स लायबिलिटी. क्या बोलते हैं इसको, टैक्स लायबिलिटी. ओके, एक एग्जांपल और कर लेते हैं बच्चों, जो 80 वाला एक एग्जांपल कर लेते हैं. उसमें थोड़ा बच्चों को अगर कहीं लग रहा हो कि सर 80 में कुछ अलग होगा, तो बच्चों मैं बता देता हूँ 80 में कुछ अलग नहीं होगा. एक बार ही देख लेते हैं एग्जाम्पल 4. मिस्टर एक्स एज 81 इयर्स, हिज नेट इनकम इज 8 लाख रुपीस. Compute his tax liability. ठीक है,
अब अगर उसकी 8 लाख की इनकम है तो उसकी टैक्स निकालना हो तो कैसे निकालें? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 क्योंकि पहले फर्स्ट, अब देखो क्योंकि इनकम 8 लाख रुपए है बट एज 80 प्लस है, रेजिडेंट मान के चल रहे हैं, फर्स्ट 5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है। तो अगर बच्चों इसकी इनकम ही 5 लाख होती तो जीरो होता टैक्स, बट इसकी इनकम 8 लाख है तो 5 लाख तक तो जीरो हो गया। 5 से ऊपर 10 लाख तक, 5 से 10 यानी अगले 5 लाख पर 20% है कि नहीं? बट हम लोग अगले 5 लाख पे क्यों जाएं? अगले तो 3 ही बचे, तो नेक्स्ट 3 लाख रुपीज पर टैक्स का रेट है बच्चों 20% विच इज इक्वल टू 6000 प्लस 6000 हो गया प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से एट द रेट ऑफ 4% विच इज इक्वल टू 240 टैक्स लाइबिलिटी हो गई 6240 ये हमारी हो जाएगी टैक्स लाइबिलिटी। ऐसा क्लियर बच्चों, समझ में आता है? तो ये आज जो हम लोगों ने किया है ना, अभी हम लोगों ने 2-3 चीजें इसके अंदर और करनी है। एक मैं ऑप्शनल वाला जो मेथड है वो अगली क्लास में करवाऊंगा आप लोगों को, विच इज अमेंडमेंट एज पर फाइनेंस एक्ट 2020, ठीक है? बट अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा ये वही रेट्स थे जो हम लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे फाइनेंस एक्ट 19 के हिसाब से। अब ऑप्शन वाला क्या चीज़ है वो भी बताऊंगा अगली क्लास में। दूसरा नेक्स्ट क्लास के अंदर जो जो करने हैं वो वाला मैं आपको लिख दूँ टॉपिक, ऑप्शन वाला केस बताऊंगा। सेकेंड टॉपिक जो मैं करवाऊंगा अगली क्लास में विच विल बी रिबेट। थर्ड मैं करवाऊंगा सरचार्ज। अब ये क्या चीजें होती हैं ये उसी क्लास में समझेंगे ना बेटा, सारी चीजें आज ही समझना चाहते हो क्या? आज ही बन जाओगे क्या प्रोफेशनल? हाँ तो भाई टाइम देना पड़ता है, आराम आराम से मेहनत करके मजा आएगा, ठीक है? तो अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय।